गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू पार्सू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 11 हिंदी मीडियम। आज अपन पार्ट 17 के रिलेटेड बात करते हैं बेटा। पार्ट 17 जो मूल कंसेप्ट था अपना, मूल कंसेप्ट के ही पार्ट 17 की बात करते हैं। आज अपन एक नई चीज सीखेंगे, तो मतलब पहला चैप्टर है जिसमें नई चीज सीखने के लिए आ रही है। नई चीज क्या है? नई चीज है आज सीमांत अभिकारक। क्या है? सीमांत अभिकर्मक। इसी को क्या कहा जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक। सुनिएगा, देखिए होता क्या है एक्चुअली सीमांत अभिकर्मक, वो अपन बात करेंगे कि सर सीमांत अभिकर्मक का मतलब होता है कि सर ऐसा अभिकर्मक जो क्या हो जाए बेटा, ऐसा अभिकर्मक जो किसी भी अभिक्रिया को एक सीमा में बांध करके रखे, है ना। इसकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि वो डिसाइड करता है क्या कि सर रिएक्शन कितनी होगी, प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये सारी चीजों को क्या करता है, डिसाइड करता है। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हुआ क्या कि सर आप के घर में क्या होना है, मेहमान आने वाले, गेस्ट आने वाले, ठीक है सर। गेस्ट आने वाले हैं तो आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेटा? गेस्ट आने पर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप उनको चाय नाश्ते के लिए पूछेंगे। ये फैक्ट बात है, सिंपल सी बात है कि सर हम उसको चाय नाश्ते के लिए। अब आपको चाय बनानी नहीं आती तो आपकी मदर ने आपको चाय बनाने का पैटर्न बताया, एक रेसिपी बताई कि देखो एक कप दूध ठीक है सर, उसमें मान लीजिए 50 ग्राम शक्कर, एक कप दूध और उसमें अपन एक मान के चलते हैं कि 50 ग्राम जो है वो शक्कर, जो अपन कहते हैं शुगर, उस शक्कर को मिलकर ये क्या बनता है कि सर एक कप चाय तैयार हो जाएगी। मुझे एक बात बिल्कुल सिंपल सा है, आपको मम्मी ने क्या किया, एक रेसिपी तैयार करके दे दी बेटा कि सर ये एक मेंबर के लिए एक कप चाय बनाने के लिए इनफ चीज है। ओके, मम्मी ये बता करके मार्केट चले गए, बाजार चले गए और उसमें पीछे से क्या हो गए, आपके गेस्ट आ गए। अब हुआ क्या सर, गेस्ट आ गए, आपको आइडिया है। अब आपने देखा कि सर हमारे घर में सामग्री क्या क्या है, सामग्री के बारे में आइडिया लग रहे हैं, सामग्री कितनी है, इंग्रेडिएंट कितने बड़े हैं उन्हें, तो इंग्रेडिएंट के ऊपर रिसर्च करने पर पता चला कि सर आपके घर में एक कप दूध है और उसके साथ हमने ये कहा कि सर एक कप दूध के साथ साथ हमारे पास 100 ग्राम हमारे पास क्या पड़ी थी, शक्कर पड़ी थी। अब ये पूछा गया कितने कप चाय बनेगी, बिल्कुल फैक्ट। अब ये देखा गया आपको कि सर किसी ने पूछ दिया कि तो आप कहोगे कि सर उससे जो है वो एक कप चाय बनेगी, कितनी, एक कप चाय बनेगी। अब किसी ने कहा कि आपके पास तो 100 ग्राम शक्कर थी तो आपने 2 कप चाय क्यों नहीं बनी, बैठिए। देखो बहुत जनरल से एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सर आपको किसी ने कहा सर 2 कप चाय क्यों नहीं बने जबकि आपके पास शुगर जो है वो 100 ग्राम थी, जबकि 1 कप के लिए ये 50 ग्राम ही थी, आपके पास क्या थी, दुगनी थी, तो 2 कप क्यों नहीं बने। पर आप कहोगे अरे सर 2 कप बनाऊं कैसे, क्यों, क्योंकि दूध तो इतना ही था ना, दूध 1 कप जितना ही था, 1 कप जितने चाय के इतना दूध था, 2 कप के, इसका मतलब कि सर दूध पूरा क्या हो गया, खर्च हो गया, कंज्यूम हो गया, खर्च हो गया, और ये कितना बच गया, 50 ग्राम शेष बच गई, रिमेनिंग पार्ट बच गया। तो कहा सर इस रिएक्शन को रोकने में किसका हाथ है, अगर दूध और होता तो चाय और बन जाती, समझ में आ रही बात आपको। यही चीज क्या कहलाती है आप लोगों की, लिमिटिंग, यानी एक से अधिक अभिकारक, अगर मैं कहें आप देखो यहाँ चर्चा करेंगे, एक से अधिक अभिकारक अगर है हमारे पास तो उसमें से क्या होगा, एक अभिकारक की कुछ निश्चित सीमा होगी और वो क्या करेगा, अभिकारक को रोक देगा। एक उदाहरण देखते हैं अपन लोग, चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं रिएक्शन के थ्रू। हमने क्या कहा, ए प्लस बी गिव्स सी, सुनिएगा, सिंगल सिंगल एंड सिंगल, एक एक मोल है सबके, ठीक है ना। अब एक एक मोल सबके है, देखिएगा ए के एक मोल, बी के एक मोल, यानी एक यूनिट के साथ रिएक्शन करेंगे और एक मोल ही सी का बना दे। अब देखो हम कहते हैं सर ये तो है 5, ठीक है सर ये है 10, तो बताइए सी कितना बनेगा, जब इसके एक से ये
एक बनता है, तो ऑब्वियस बात है सी कितना बनेगा कि सर ये पांच है, ये इस बी के पांच के साथ अभिक्रिया करेंगे तो पांच ही सी बनाएगा, इसका एक इसके एक के साथ मिलकर के एक बना रहा है, तो इसके पांच के साथ मिलकर के इसके क्या बनाएंगे, पांच मोल ही बनाएंगे, पांच सी बन जाएगा। तो अब क्या करें, ये तो पूरा खर्च हो गया, खर्च हो गया, समझ आ रही, ये तो क्या हो गया पूरा खर्च हो गया। अगली बात करेंगे बी कितना बच गया, दस में से पांच तो उसने सी बनाने में चला गया, तो पीछे कितना बचा, पांच बच गया, है ना। तो ये क्या हो गया शेष अभिकर्मक, उसको क्या बोलेंगे अपन, शेष अभिकर्मक। अब कैसे इस अभिक्रिया को और भी हो सकती थी लेकिन उसको सीमाओं में बांधा किसने, किसने बांधा, ए ने, ए की यहां मात्रा कम थी इसी कारण से ये बी के साथ संपूर्ण मात्रा में क्या किया, अभिकर्मक बी के पूरी मोलों को खर्च नहीं कर पाया। अरे बच्चों समझ में आई बात, बी के पूरे मोलों को ये खर्च नहीं कर पाया, यानी जितना ए था उतना उतना ही बी खर्च हो पाया बाकी। तो कहा साहब जो पूर्ण रूप से खर्च हो जाता, जो पूर्ण रूप से बेटा खर्च हो जाता है वही क्या कहलाता है आपका, दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड पे, शायद नहीं दिख रहा है मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो पूर्ण रूप से खर्च होता है वही सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, सीमांत अभिकर्मक यानी लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। ठीक है सर, इसको क्या बोलेंगे, शेष अभिकर्मक, इसको क्या नाम देंगे अपन, शेष अभिकर्मक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा, शेष अभिकर्मक कहा जाएगा। क्लियर है ने? दो मिनट के लिए आपको साउंड का थोड़ा सा रहेगी। चलिए हमें और बता दें इसका मतलब, देखो ये कंसेप्शनल बेस आपका क्लियर है कि लिमिटिंग रिएजेंट जो अभिक्रिया में पूर्ण रूप से खर्च हो जाता है वो क्या कहलाएगा, आपका सीमांत अभिकर्मक, और जो शेष बच गया वो शेष अभिकर्मक कहलाएगा। इसका मतलब सीमांत अभिकर्मक समझने के लिए कुछ पॉइंट की जरूरत होती है। पहला पॉइंट क्या है, दिख रहा होगा आप लोगों को, प्रथम पॉइंट कहता है कि सर सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करने हेतु, सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करने हेतु दो या दो से अधिक अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। क्या होती है, दो या दो से अधिक अभिकर्मक की आवश्यकता, ये पक्की बात है, यानी दो या दो से अधिक अभिकर्मक की क्या होती है बेटा, हमें रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्या दो या दो से अधिक अभिकर्मक की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि बेटा सिंगल अगर एक ही अभिकर्मक है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, एक अभिकर्मक, तो भैया वहां पे सीमांत क्या, वो खुद ही तो है, खुद का खुद के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो पॉसिबल। सीमांत अभिकर्मक का सेंस होता है कि हम कहते हैं दो जरूरी है, दो में से एक क्या होगा सीमांत अभिकर्मक और दूसरा क्या होगा शेष अभिकर्मक। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि दो या दो से अधिक अभिकर्मक होने चाहिए। ठीक है सर, दूसरी बात पॉइंट नंबर आ रहा है कि सर सीमांत अभिकर्मक जो होता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, वो हमेशा उत्पाद कितना बनेगा वो निर्धारित करता। तो मैं यहां लिखता हूं कि सर सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक क्या होगा, उत्पाद को निर्धारित करता है। क्या करता है बेटा, उत्पाद को निर्धारित करता है कि कितना उत्पाद हमें जो है वो बनेगा, मिलेगा, यानी कितने उत्पाद की हमें क्या मिलेगी रिक्वायरमेंट रहेगी, ये हमें एक चीज ये बताता है। तीसरी बात, सीमांत अभिकर्मक मैं लिखता हूं यहां पर, सीमांत अभिकर्मक सदैव पूर्ण उपयोग में आ जाता है, हो जाता है, समझ वाली बात, सीमांत अभिकर्मक क्या होता है पूर्ण रूप से उपयोग में आ जाता है, यानी पूर्ण रूप से क्या हो जाता है बेटा खत्म हो जाता है। ठीक है सर, तो ये कुछ सीमांत अभिकर्मक की जो है वो कंडीशन शर्तें हैं, यही शर्तें हमें क्या बनेगी सीमांत अभिकर्मक को ज्ञात करने में सहायता देगी। ठीक है ना बेटा, तो अगले वीडियो में देखेंगे, यहाँ एक कॉन्सेप्चुअल बेस बात की अपन, अगले क्लास में यानी पार्ट 18 में मैं आपको सीमांत अभिकर्मक कैसे ज्ञात किया जा सकता है उससे रिलेटेड प्रश्न
लेकर के बात बताऊंगा। बिल्कुल क्वेश्चन लेंगे अपन लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू होता है, तो एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हल करेंगे अपन लोग, ताकि अपना जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो सके, क्लियर हो सके। ठीक है ना सर, तो ये अगले वीडियो में आप मेरे साथ बने रहेंगे, ताकि आप लोगों को जो है वो इस कॉन्सेप्ट का उपयोग एग्जाम में कैसे किया जाए, कॉन्सेप्ट का जो यूज है वो एग्जाम में कैसे किया जा सके, उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। तो फटाफट से प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेकर इसको कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, कुछ शर्तें हैं वो शर्तें लिखें, ताकि आपको क्या हो सके कि सीमांत अभिकर्मक के बारे में और जानकारी मिल सके। आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास के लिए अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।